हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंग। और कतरीना कैफ की बहन इजाबेल कैफ ने बॉलीवुड में एंट्री ले ली है। उनकी मूवी का लेटेस्ट ट्रेलर जो है आज ही यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है, मगर सैडली दोस्तों ये ट्रेलर ज़रा भी पसंद नहीं आया मुझे। मूवी का नाम है टाइम टू डांस और इसके अंदर इजाबेल कैफ के साथ सूरज पंचोली हैं। जो मूवी का जो ट्रेलर है, ऑफिशियल ट्रेलर, उसके अंदर कुछ अच्छे डांस हूँ उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो प्लॉट है वो वेफर थिन है, तो इसके कारण जो मूवी से ज़रा भी उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। और ये मूवी रिलीज़ होने वाली है मार्च के अंदर थिएटर्स में, तो इसे अगर लोगों को थिएटर में लेके आना है तो कुछ अच्छे गाने, कुछ हिट सॉन्ग्स बहुत जल्दी इनको चर्न आउट करने पड़ेंगे, वरना ये मूवी का जो ट्रेलर है वो तो एवरेज ही है। इसके अंदर कुछ एक्स फैक्टर नहीं है। जहाँ तक कि मूवी का सवाल है, ट्रेलर से ही पता चल रहा है बहुत ही प्रेडिक्टेबल प्लॉट है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के अंदर तो डांस मूवीज़ जो हैं उनका जो सक्सेस रेशियो है बहुत ही कम है। ABCD की एक दो मूवीज़ छोड़ के बाकी सब मूवीज़ जो है बहुत बुरी तरीके से पिटी हैं। फिर चाहे वो मुन्ना माइकल हो या आजा नचले हो या तो फिर जो रिसेंट आई है ABCD 3, इवन जो ABCD के ब्रांड में है उसमें भी अभी मूवीज़ जो है चलना बंद हो गई हैं। तो इट इज़ वेरी टफ फॉर द मेकर्स टू कन्विंस पीपल कि भाई डांस देखने के लिए थिएटर में आओ, क्योंकि डांस तो हम हर जगह देखते हैं, हम टीवी पे देख लेते हैं, हमें यूट्यूब के इतने सारे चैनल्स हैं जिसमें एक से एक कोरियोग्राफर्स हैं जो ये एक्टर्स कभी कर ना पाए वैसा डांस करते हैं, तो कोई थिएटर में देखने क्यों जाएगा। वेल, सिर्फ एक वजह है इस मूवी को कोई थिएटर में देखने जाए, वो है इजाबेल कैफ, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट मूवी है। तो ऑफ कोर्स कतरीना कैफ के जितने फैंस हैं वो चाहेंगे कि जाके उनकी छोटी बहन को थिएटर में देखें। एंड इजाबेल को भी फ्रैंकली स्पीकिंग मौका मिलना चाहिए बिफोर राइटिंग हर ऑफ उसकी एक परफॉर्मेंस देखने का। ऑल दो लुक वाइज तो वो भाई कतरीना कैफ और नोरा फतेही का एक मिक्सचर लगते हैं। होपफुली उनके अंदर नोरा फतेही की डांसिंग स्किल्स हों और कतरीना कैफ ने जितना आज तक एक्टिंग सीखी है, जो भी कुछ मूवीज़ में उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, तो वो थोड़ा उनके ऊपर रब ऑफ हो जाए तो इजाबेल भी बॉलीवुड में अपना पैर जो है जमा पाएंगी। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर उसके अलावा तो सूरज पंचोली है जिनका बॉलीवुड करियर जो है बहुत ही बोल सकते हैं के बुरी तरीके से नष्ट हो चुका है। उनकी कोई भी मूवी नहीं चली है आज तक। एंड ये जो मूवी है इसमें ऑल दो ही इज़ अ डिसेंट एक्टर, मगर फॉर सम रीजंस ही इज़ चूजिंग द रॉन्ग फिल्म्स। इवन ये मूवी के अंदर भी जो है उनसे ज़्यादा जो है हमें इजाबेल कैफ से होप्स हैं कि भाई वो कुछ तो एक्स फैक्टर लाएंगी इस मूवी में। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।